सफ़र का मज़ा कब आता है? मेरे ख्याल से सफ़र का मज़ा सबसे ज़्यादा तब आता है जब हम अपनों के साथ होते हैं, जब हम अपने आप से और मिल पाते हैं, जब हम वो मोमेंट इन्जॉय कर पाते हैं एग्जैक्टली जिस मोमेंट के लिए हमने हमेशा से वेट करी है, जब हम डेस्टिनेशन से ज़्यादा ना उस एक एक पल को इन्जॉय करते हैं जिस पल से हम गुज़र रहे होते हैं, जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं। हर चीज़ एक टाइम लेती है और उस टाइम को पेशेंस से जब हम इन्जॉय करते हैं ना, मेरे ख्याल से तभी सफ़र का मज़ा आता है। आप क्या बोलते हो? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड साक्षी धंजल, और मैं जा रही हूँ कोई नए सफ़र पर, और मेरे साथ इस बार पहली बार आंचल बहुत ही सेक्स शो है। मेरे साथ लव भी है और मंजू दीदी भी है। मंजू दीदी कह रही है अभी मेरे को शूट मत करो, मेरा मूड नहीं है सुबह सुबह कुछ बोलने का। क्यों नहीं, क्योंकि जब तक सुबह निकलती नहीं है कुछ नीचे से। हम गंदी गंदी बातें नहीं करने वाले यहाँ पे, हम पीने वाले हैं कॉफी विच इज मोका। और पता है मैं कैफे वालों ने देखो कितनी सही बना के दी है। या हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी सुबह 6:30 आपकी तो 4 बजे हुई होगी। सो मेरे साथ मेरी मॉम है, दीदी से मिल चुके हो, लव से मिल चुके हो, आंचल हमारे साथ है, और इसके अलावा भी 10 घंटे का रास्ता तो दिखा रहा है ये, मैं सच बता रही हूँ। बट जब पहाड़ चढ़ते हो तो रास्ता जर्नी बिल्कुल बदल जाती है। स्टार्ट करेंगे यहीं से ऑफ रोडिंग, साक्षी की ऑफ रोडिंग शुरू हो चुकी है। नीचे से नहीं करूंगा मैं, भाई के करती हूँ उतर के यहाँ से रिकॉर्डिंग, मुझे बड़ा मजा आता है। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और हम जा रहे हैं ऑफ रोडिंग पे। यहाँ से आ रहा है गंगा नदी का वाटर, और पता है यहाँ पे मोस्टली क्या करते हैं, यहाँ पे थार वालों को बड़ा मजा आता है ऑफ रोडिंग करने में। तो हम गए नीचे, ये आराम से भाई, गाड़ी बहुत अच्छी है पता है ऑफ रोडिंग के लिए। अरे हमने ये बहुत ट्राई करी है लद्दाख के रास्ते पे। सो गाइस, मैं उस जगह पहुंची हूँ जहाँ पे अलकनंदा और गोदावरी का, नहीं भागीरथी, नॉट गोदावरी, अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और बनती है गंगा। आपको याद है कि अलकनंदा कहाँ से आ रही है और भागीरथी कहाँ से आ रही है? इनमें से एक केदारनाथ से आ रही है। चलो मुझे गेस करके बताओ फटाफट कमेंट्स पे। आंचल का मन नहीं लगता मेरे बिना, that's why we are the gym buddies. Yeah, that's what I was going to say. हम जिम में जाके वर्कआउट नहीं करते, हम वर्कआउट नहीं करते, हम गॉसिप्स करते हैं, 4 AM friends. और हम 4 AM friends. और हम ये बोल बताते हैं लोगों को कि आपने क्या कमी है, आपको क्या, हमने, हम करण जौहर और करण जौहर की असिस्टेंट का एक्टिंग करते हैं। नहीं, करण जौहर और करीना कपूर, करीना कपूर, अच्छा ओके, असिस्टेंट बना दिया डायरेक्टर को, 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसके पास, ठीक है। मैं कह रही हूँ करण जौहर और करण जौहर की असिस्टेंट की एक्टिंग करते हैं। तू तेरे को असिस्टेंट बोल रही है? ये पिंदर रिवर है और अलकनंदा आ रही है उधर से केदारनाथ से। सो यहाँ पे उसका संगम हो रहा है पूरा पिंदर रिवर। हम पहुँचे हैं करण प्रयाग में। करण प्रयाग में मैंने आपको बता चुकी हूँ नर्मदा का संगम, और उसके अलावा हम वेट कर रहे हैं वॉशरूम में, कोई घुसा हुआ है, सारी की सारी लेडीज वेट कर रही हैं। मंजू दीदी की तबीयत, मंजू दीदी आज मुझे मत छेड़ो। तो वॉशरूम में कौन है? हाँ जी, नहीं डिनर टाइम गाइस, डिनर टाइम, और हम 11 बजे डिनर कर रहे हैं। हम 11 बजे के बाद ही पहुँचे, मतलब एक तरह से हम 10:30 बजे यहाँ पहुँचे। हमने चेक इन करा है 10:30 बजे, हम गोविंद घाट से कुछ 10 मिनट नीचे रुके हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज सेकेंड डे। आज हम चढ़ेंगे किसी डेस्टिनेशन के लिए, और अगर आप गेस कर सकते हो कि ये कौन सी रिवर है गोविंद घाट के पास, तो प्लीज़ गेस करके बताओ।
अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं हो रही हूँ रेडी इस ब्यूटीफुल लोकेशन के साथ। मैं खिड़की पर लटकी हुई इस लोकेशन को लेने के लिए। वी ऑल सेट टू गो। गुड मॉर्निंग दीदी, आज अच्छी लग रही है। चलो गाइस, मैं हूँ गोविंद घाट अभी और लंगर करने आए हैं हम लोग, लंगर छकने आए हैं। एक्चुअली मैं क्या कह रही हूँ, अरदास में क्या होगी भीड़। गाइस हम लंगर छकने आए हैं सुबह सुबह और हम आए हैं गुरुद्वारे एंड दिस इज गोना बी अ एपिक मोमेंट। हाँ जल्दी करना है, हाँ तो जल्दी करना है ना। छत पड़ी है और हम 4 किलोमीटर इस गाड़ी से जाने वाले हैं। ये ब्रिज बहुत ऑसम सा है। गड़ा 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 starting our journey and I'm pretty excited क्योंकि पहले से रूट बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो रूट्स कुछ ऐसे नहीं थे, क्योंकि मैं आई थी 2008 में शायद लास्ट। क्या ब्रेक टाइम गाड़ी सुन रहे हैं भाई, वाइब कर रहे हैं वाइब। सारे चुटकुले निकल रहे हैं यार। कैसा रहा आपका? अच्छा बहुत गजब। ऊपर बर्फ है बिल्कुल टॉप पे, टॉप पे है। ग्लेशियर की चढ़ाई है, ग्लेशियर है। ग्लेशियर परसों बर्फ पड़ी थी। अच्छा परसों बर्फ पड़ी थी। हाँ। चलो चेक करो दी। आपको पता है कौन सी नदी है? कौन सी नदी है ये शायद अलकनंदा ही आ रही है, मुझे एक बार नेट पे चेक। हाँ एक बार चेक करती हूँ, क्योंकि ना केदारनाथ से तो अलकनंदा आ रही है, अब यहाँ एक बार चेक करना पड़ेगा। ये एक्चुअली में लक्ष्मण गंगा है, अगर आप नहीं जानते हो कि जोशीमठ से जो निकल रही है बद्रीनाथ के पास भी है ये शायद। मुझे कमेंट करके दो ये कहाँ कहाँ है लक्ष्मण गंगा, मुझे भी नहीं पता, आप बताओ कमेंट करके गाइस। बस ये मुझे मतलब कभी कभी तो क्या बोलता है, अच्छा है साक्षी तुम्हारे साथ बोलने के लिए, आज बोल रहा मैं तेरे को बोलने दूंगा, कोई बात नहीं, दिन की बात है। भैया ने बताया 80 kgs अलाउडेड है। You know what? I have a very extremely rich friend who owns a furniture company. नहीं पहले पूरी बात। She's gonna pay for me. Okay? पहले पूरी बात। Whatever the हाँ जी बता। पहले पूरी बात ये है कि extra per kg के हिसाब से चार्ज होता है, वहाँ 100 rupees के राउंड। और लव कितना? मेरा 19 दीदी। अब आएंगे ये, अब आएंगे जब 5,000 देने पड़ेंगे। कहाँ से आए हैं आप? ब्लॉगर्स को ना शूट करने की आदत शायद खुद हो गई है। कहाँ से आए आप? लुधियाना से। सही है यार। मैं दिल्ली से। दिल्ली से बहुत आया इस बार। जैसे जैसे मैं चलती जा रही हूँ यहाँ पे बहुत लोग हैं, और पता है ये जगह पूरी चेंज हो चुकी है, यहाँ पे बहुत स्टॉल्स आ चुके हैं, पहले इतने स्टॉल्स नहीं थे यहाँ पे। और इस वक्त में तो नज़ारा इतना ही खूबसूरत है जितना आपको मेरे सामने दिख रहा है। शायद मैं आपको ये खूबसूरती बयां भी नहीं कर सकती अपने शब्दों में, बट ये ट्रैक ऑलमोस्ट अभी तक तो आपको पता ही चल चुका होगा कि मैं हेमकुंड साहिब के ट्रैक। गाइस अरे दिस इज लाइक छत्ते ऑफ मधुमक्खीस। मैं कुछ और ही बोलने वाली थी। व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? यू वांट टू बी रिकॉर्डेड, यू डोंट वांट टू बी रिकॉर्डेड, नो पैप प्लीज। अच्छा इतना टाइम क्यों लगा तुम लोगों को? क्योंकि हम चिल मारते बाहर है ब्रो। हम इतने लोगों से मिले, वी हैव मेट लाइक एटलीस्ट 15-20 पीपल। मैं भी बहुत लोगों से मिली यार। खुश रहे आप इससे मिलके, ये बताओ। हेलीकॉप्टर आपको यहाँ पर सिर्फ 3 मिनट में पहुँचा देता है और हम चले गए 10:15 या 20 मिनट पे। फाइनली रीचिंग यार, इट टुक लाइक 9:30 से हम मतलब 10:30 से हमने 10:30 से स्टार्ट किया, 5:15 हो रहे हैं।
और हम अभी पूरा नहीं पहुँचे. दिस इज़ लाइक फर्स्ट स्टेप. यहाँ पे आप पहुँचते हो घाघरिया. दिस इज़ ब्यूटीफुल ना, नॉट दिस द व्यू एक्चुअली ब्यूटीफुल. ये तो ऑलरेडी स्मार्ट लग रहा है. सो कैसा लगा तुम्हें? अच्छा पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ, नाम बता दो अपना. मेरा सिद्धार्थ. सिद्धार्थ कौन सी क्लास में आ गया यार? 10th में. जब मैं पढ़ाती थी तब तुम 7th या 6th में हो गए? 6th है. चलो सही है यार. तो कैसा लगा तुम्हें आके? नाइस. अभी ऊपर और मजे आएंगे. हेलो, ये सिद्धार्थ की छोटी सी बहन है. हेलो कर दो. चलो मिलते हैं. जब मैं यहाँ पर आई थी ना एग्जैक्टली पता है मम्मी कह रही है बिल्कुल प्लेन था यहाँ पे. पता है इतनी अच्छी सी शॉप्स खुल चुकी हैं. हाँ, और इतने सारे रहने की फैसिलिटीज हो चुकी हैं. मतलब इतने सही नहीं था ये जगह जब हम रुके थे. गुरुद्वारा पहुँच गए. चलो फिर स्टे पता करते हैं. हाँ यहाँ पेड़ भी है वो जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी पहन के बैठ के पूजा करी थी इस जगह पे ना. सो गाइस पहले इतना कुछ नहीं था जब मैं ऐसे 14 साल पहले लास्ट आई थी. सो गाइस अभी लाइट चली गई है बट दिस इज द रूम. चेक करो कुछ अच्छा मिला फाइनली. हाय, आई लव्ड इट. दिस इज एक्चुअली कूल. ये वाला पेड़ है जिसके नीचे ना गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे नीचे बैठ के मतलब तपस्या करिए कहा जाता है. और पंचमुखी है ये. माँ को मेरी ज़्यादा नॉलेज है मुझसे. वेल आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग. सी यू.